ये निमंत्रण पत्र दे दिया जाता तो था। उस वक्त सिग्नेचर के माध्यम से कि आपको जी मिल गया और मिल उसका गया सिग्नेचर होता था, तो ये जी। काफी लंबा कार्ड हुआ करता बहुत था। सारे कार्ड पोस्ट कार्ड पर, अंतर्देशी कार्ड पर जो डाक के जरिए भेजा जाता था, लेकिन ज़्यादातर हाथ से ही लिखे होने का हमारे पास ज़्यादा प्रूफ है। कार्ड्स प्रूफ हैं। और ये उन लोगों के फोटोग्राफ्स भी मैंने कलेक्शन करके लगा रखा है ताकि ये पहचान हो सके कि इन्हीं की शादी का है। जो लोगों के शादी के उस वक्त के फोटोग्राफ्स भी मिलने के बाद मैंने इसमें लगा रखा उस है। वक्त फोटोग्राफ्स भी ये जी बिल्कुल बहुत छोटा छोटे छोटा छोटे साइज के, छोटे ब्लैक एंड हुआ करते वाइट। हैं, ब्लैक एंड ये वाइट। कार्ड भोजपुरी फिल्म के पितामह, जिन्हें हम भोजपुरी फिल्मों के जन्मदाता के नाम से याद करते हैं, नज़ीर हुसैन साहब, आप दिलदारनगर के बगल में एक गांव उसिया है, उनकी इकलौती बेटी, उसी गांव के रहने वाले थे, उनकी बेटी की शादी हमारे ही बड़े अब्बू के बड़े बेटे से हुई, जिनकी यादगार के तौर पे ये शादी कार्ड ये इसमें है। उनकी शादी का कार्ड जी है। इस कार्ड की खूबी ये है कि नज्म में है, नज्म स्टाइल में है। इसमें जैसे लिखा है कि शुक्र है अल्लाह का जिसे बेलुत्फ पे कर ले के आया है निशाते जां फिसर साले रवां, या 100 साल से अधिक है, 1905 का हाथ का लिखा हुआ है, 1925 का, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जो हाथ से लिखे ही ज़्यादा हैं। अब इसकी संख्या करीब करीब 5,000 से अधिक हो रही है। 1905 का है, सामूहिक तौर से तमाम गांव के रिश्तेदारों और दोस्त अहबाबों के नाम लिखे हुए हैं, और एक नवेद दे जाने वाला आदमी भेज जाता था और सभी रिश्तेदारों को सिग्नेचर कराकर आइडेंटिफाई कर लेता था कि आपको शामिल होना है। तो ऐसे तमाम कार्ड हैं जो आप देख सकते हैं, पहले लिख करके और लोगों के घर भिजवाए जाते थे और उसमें हस्ताक्षर करके लोग अपनी सहमति जताते थे कि हमें ये कार्ड मिल गया है और हम विवाह में या दावत में शरीक होंगे। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार में जब उन्होंने रेल कम ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया था गाजीपुर में, उस वक्त के भी कार्ड हैं जो डिजिटल प्रिंट हैं। तो ऐसे नसीम रजा साहब, इन्होंने काफी कार्ड का कलेक्शन किया है, बहुत सारे कार्ड हैं इनके पास, और लोग इनके के यहाँ अपने दादी नानी दादा की जन्मतिथि और अगर उनके शादी विवाह की जो तारीख है उसको जानने भी आते हैं और काफी खुश होकर यहाँ से जाते हैं।